सो हे हेलो गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। होप आप सब बढ़िया होंगे और मैं भी एकदम बढ़िया नहीं हूँ। मेरी तबीयत ख़राब हुई पड़ी है, मुझे फीवर, पेट में दर्द और सब चीज़ें एक साथ हो रही है, साथ में जुकाम भी हो रहा है। तो आज तो मैं लाइब्रेरी नहीं जा पाई तबीयत ख़राब होने की वजह से, और मुझे नहीं पता कहाँ से आएगा। हाँ, तबीयत ख़राब होने की वजह से लाइब्रेरी नहीं जा पाई और मैं अपने ही छत पर बैठी हुई हूँ। आज ये मेरी छत है और मुझसे कुछ पढ़ा भी नहीं जा रहा, बहुत तबीयत ख़राब हो रही है, क्या करूँ मैं, मुझसे वो भी नहीं हो पा रहा है। बाकी मैंने अपने लिए गर्म पानी वगैरह सब छत में ही ला रखा है और बिस्तर लगा रखा है। यहाँ देखो, ये मेरी कंबल, मेरी तकिया, और लेट रखी हूँ मैं आराम से। पता नहीं कब सही होंगी और कब फिर उसके बाद दोबारा। ऐसे मेरे को बीपी की प्रॉब्लम है, मेरा बीपी ना लो हो जाता है, बहुत ज़्यादा लो हो जाता है मेरा बीपी, तो मतलब शुगर लेवल भी लो हो जाता है साथ में। तो डॉक्टर ने मेरे को एक बार, मैं जब मैं बीएससी कर रही थी तो उस टाइम मेरी बहुत तबीयत ख़राब हुई थी, तो मैं हॉस्पिटल गई थी। तो वहाँ पे डॉक्टर ने मुझे सजेस्ट किया था कि मतलब जब भी तुम्हारा ऐसे बीपी लो या शुगर लो होता है तो मतलब मेरे को चक्कर आ जाते हैं। तो ऐसा ही कुछ हो रहा है मेरे साथ आजकल। तो उन्होंने मुझे सजेस्ट किया था कि चॉकलेट रखना अपने पास, तो मैंने चॉकलेट भैया से मंगाई है सुबह आज कि मेरे लिए चॉकलेट लेके आना। तो उन्होंने लाई है ये, कि मैंने थोड़ी सी तो खा ली है ताकि थोड़ा सही हो जाए, अगर शाम तक नहीं कुछ फ़र्क पड़ता है तो आई थिंक मुझे डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। ये देखो आज बाहर कैसे मौसम हो रखा, ये पूरा ग्राउंड है हमारे घर के आगे और यहाँ बहुत ज़्यादा धूप हो रखी है, बहुत ज़्यादा धूप हो रखी, तेज वाली, बाप रे। अरे मैंने कपड़े वपड़े थोड़ा सा कंबल वम्बल बाहर धूप में डाल रखी है, रजाई वगैरह, मैंने सोचा आज घर में हूँ मैं तो इसको बाहर ही डाल देती हूँ, इसलिए मतलब अब ऐसे तबीयत ख़राब हो रही तो लेट के भी नहीं रह सकते, तब ज़्यादा ही ज़्यादा होती रहती है जब ऐसा लेट जाओ। तो मैं सोच रही हूँ, हमारे घर के पास में निर्मल भैया रहते हैं, वो भी बहुत अच्छी पढ़ाई करते हैं, तो और ना मेरे जुकाम में आँख से पानी निकलता है, देखो कितना निकल रहा पूरा। मैं सोच रही हूँ उनके साथ चली जाऊँ थोड़ी देर, कि चाहे पढ़ ना पाऊँ पर सुन के ही कुछ ना कुछ तो याद हो ही जाएगा। उनसे दो चार चीज़ें पूछ भी लूँगी और सुन भी लूँगी वहाँ पे, और बाकी चाय भी बना लूँगी और पी लूँगी उनके साथ बैठ के। बाकी बहुत सारे हैं वहाँ पे, अगर व्लॉग में आएंगे तो मैं दिखाऊँगी आपको। उनके पास कुछ बढ़िया बढ़िया बुक्स भी है जिनको मैं कभी कभार जाके पढ़ लेती हूँ। उसको बुखार आया, तो मतलब बुखार आया कि उसके घर पे बचपन में सुनाती थी, अभी भी तो मम्मी बच्चा ही मानती है, अभी भी सुनाती रहती। तो उसने बोला बोल बुखार को कि भाई अभी रुक जा, थोड़ा मेरे को बर्तन धुलने दो, उसके बाद आना। फिर बुखार ने वेट किया, फिर उसके बाद थोड़ा सा मतलब टाइम ऐसे चले गया, फिर जब उसने बर्तन धुल लिए फिर बुखार आया, उसने बोला रुक जा थोड़ा मेरे को अभी बिंगण कूटने दे, मतलब धान वगैरह कूटने दे। उसके बाद ऐसी ऐसी वो काम ही बताती कि रुक जा भाई मेरे को घास के लिए जाने दे, रुक जा अभी मत आ, अभी मेरे को गाय छोड़ने दे, मतलब दूध निकालने दे गाय का, ऐसे ऐसे करे। बुखार ने बोला बोल हट, मैं तेरा ऐसे वेट करूँ आने का, और वो किसी और के घर पे चले गए। और उसको हो गया जो मतलब सो रखा था दिन भर, कुछ काम नहीं, आलस ही आलस है, तो वो उस पर चिपट गया। तो बीमारियाँ मतलब होती हैं, लेकिन जो ज़्यादा ऐसे सोए रहते या ऐसे करते उन पर ज़्यादा असर करती है। तो आई थिंक मुझे ऐसा नहीं सोना चाहिए, थोड़ा सुबह से सो गई, अब मैं थोड़ा सा जाती हूँ निर्मल भैया के यहाँ और उनसे थोड़ा सा डिस्कशन करके थोड़ी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें पूछ के आती हूँ, शायद कुछ अच्छा, और मुझे भी फ्रेश फ्रेश फील होगा, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारी लड़कियाँ भी रहती हैं रूम किराए पे, तो वो बहुत अच्छी हैं, वो सब मतलब बहुत कम्फर्टेबल फील करवाती है और थोड़ा मूड भी फ्रेश हो जाएगा। आपको भी मिलवाती हूँ आज उन सबसे। और जैसे कि मतलब जब भैया घर पर होते तो कहीं भी जाने के लिए भैया से परमिशन लेनी पड़ती है, तो अभी मैंने भैया से परमिशन ली कि मैं उधर जा रही हूँ, मेरा बोलो ठीक है जाता थोड़ी देर। गाइज ये नीरज, ये भी यहीं पर आता है और ये भी मस्त लड़का है। मैं हो गया आज बोर, चप्पल उतार के आती हूँ। ये है निर्मल भैया का कमरा, पढ़ाकू लोगों का, ये देखो बुक्स, बाप रे बाप। और ये इनका स्टडी टेबल जहाँ बैठ के पढ़ते हैं, देखो। और अभी ये कर रहे कुकिंग, यहाँ पे क्या बना रहे? दाल। ये हैं जिनकी बात मैंने ब्लॉग में अभी तक की आप लोगों के साथ, ये बहुत पढ़ते हैं तो इनसे मिलके अच्छा लगता है। तो अभी मैं दो चार इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप लोगों को भी बताऊंगी, और इनको एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा है, तो अभी थोड़ी देर में इनसे बात करेंगे जब ये फ्री हो जाएंगे, ठीक है।
हम लोग अभी इनके घर पे आ गए। मैंने बोला था जैसे कि यहाँ पे आके मूड बहुत बढ़िया हो जाता है, तो अभी हम जा रहे हैं तो है। नीरज के रूम पे आगे। और यहाँ बहुत सारे लोग हैं, अभी आपको सबसे मिलवाया जाएगा। और गई जहाँ मैं अभी आ रही हूँ, यहाँ से मेरा घर देखो कितना पास है। ये वाला मेरा घर है, यहाँ मैं रहती हूँ, और यहाँ इनका घर है, यहाँ ये रहते हैं। हम यहाँ से ये यहाँ पे खड़े रहते हैं और मैं वहाँ पे, हम वहाँ से आपस में बातचीत लगाते रहते हैं, और वो वहाँ पे मेरे भैया बैठ रखे पीछे वालों के साथ। वो देखो जिनसे परमिशन लेके मैं अभी आई हूँ, चेयर पे बैठ रखे। आज तुम सब लोग निकाल रखा मैंने। हेलो गाइज, कैसे हैं गाइज? अनीस का आज पेपर है गाइज, और ये अभी खाना खा के जाएंगे। और हिमानी के पेपर, हिमानी हो गए पेपर खत्म? कल लास्ट पेपर है, इसके बाद ये चली जाएगी यहाँ से बेचारी। कहाँ जाएगी? जाएगी कहाँ उसके बाद इंटर्नशिप वगैरह के लिए? दिल्ली जाएगी और फिर उसके बाद वापस आएगी। अरे ये यहाँ पे देखो कुक साहब ये काट रहे हैं, क्या है ये? गाजर। और ये बींग पहाड़ी जो बेचारे यहाँ पे खा रहे हैं और परेशान है जिंदगी से। कौन नहीं मिल रही? हाँ, और गाइस जो कोई लड़की मेरा व्लॉग देखती है और वो इनकी शक्ल देख लो, हाइट दिखाओ, खड़े हो जाओ यहाँ पे, पूरी 6 फुट की हाइट है, सब बढ़िया है। और पढ़ने में तो बहुत ही खतरनाक है, एक दो पेपर अभी निकल जाएंगे, अभी तो निकले नहीं पर निकल जाएंगे, एक आध नंबर से रह रहे हैं, बहुत मेहनती हैं पर बहुत जल्दी हो जाएगा, तो आप लोग कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। और गाइज इनका लंच चल रहा है यहाँ पर, और यहाँ मंडान लगा रहता है सुबह शाम, डेली मंडान। तो अनीश आप मेरे ब्लॉग में आके कैसा लग रहा है आपको? मैं हूँ अभी ब्लॉगर हूँ, मैं ब्लॉगर हाँ, स्टडी जो भी स्टूडेंट करता है उसके लिए ये बहुत अच्छी टिप्स है। और मैं खा रही हूँ यहाँ पे चकुंदर, क्या बोलते थे, चकुंदर ही ना, चुकंदर चकुंदर जो भी होता है, रेड रेड मस्त होता है यार। और ये गाइस हिमानी मेरे लिए लेके आई है चाय, चाय चाय, अरे जितनी भी है, ये देखो कितना क्यूट कप है। तगड़ी लेवल, मतलब ठीक ठाक लेवल की आई थी, तो वहाँ पे सब घबरा गए थे कि इकोनॉमिक्स तो इतनी हार्ड है। ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों, इकोनॉमिक्स इतनी हार्ड नहीं है, अगर उसको पढ़ लिया जाए एक बार तो इतनी हार्ड नहीं है। कॉन्सेप्ट से आप कर सकते हो क्वेश्चन ऑफ अटेम्प्ट, भले डिटो ना फंसे वहाँ वर्नियर के रूप में, तो आप मतलब कॉन्सेप्ट से भी क्वेश्चन निकाल सकते हो आराम से। तो मैं नोट्स बना रहा हूँ आजकल इकोनॉमिक्स के, मतलब डीपली ठीक ठाक बना रहा हूँ मैं, तो मैं कुछ टाइम बाद यूट्यूब चैनल खोलूंगा बींग पहाड़ी नाम करके ही, उसके आगे पीछे जो भी लगाऊंगा टाइटल वो अलग चीज़ है, फिर मैं आपको इकोनॉमिक्स से सारा कंटेंट प्रोवाइड करा दूंगा, तो आप वहाँ से भी कवर कर सकते हो। अगर आपको और जगह से देखना है तो वहाँ से भी कर सकते हो। और इकोनॉमिक्स क्योंकि यूके SSSC का वहाँ पर हमेशा ही रहा है, थोड़ा ठीक ठाक क्वेश्चन पूछ लेता है वहाँ से। गाइज भैया अपने एग्जाम की आप भी थी, आप लोगों के साथ शेयर करना चाहते हैं कि उनके साथ क्या हुआ था, तो आप लोग सुनिए जरूर। मैं बताना चाहूँगा आपको कि जो पटवारी का पेपर हुआ था पिछले साल, एक साल होने वाला है 12 फरवरी को हुआ था, तो पहले वाला एग्जाम तो इजी था, वो सबको इजी लगा था, पर जो दोबारा हुआ था ये एग्जाम उस ठीक ठाक लेवल का था थोड़ा, मतलब उसमें मतलब आर फोर ठीक ही पूछा गया था, हिंदी हो या GS हो या उत्तराखंड हो, ठीक ठाक लेवल का था वो पेपर। पर उसमें मेरे आए थे 71 नंबर, तो मैं वहाँ पे फिजिकल के लिए भी पास नहीं हुआ था, मतलब पॉइंट से रुक गया था फिजिकल के लिए, क्योंकि पटवारी मेरा मेन टारगेट एग्ज़ाम था कि मैंने इसको निकालना ही है। तो वहाँ पर क्या हुआ था कि एक क्वेश्चन इतना, मतलब हमको बेसिक कभी हमारा हिला नहीं होना चाहिए, बेसिक एकदम सही होना चाहिए, तो मेरा एक क्वेश्चन वहाँ पर गलत हुआ था, जागरा त्यौहार, वो मैंने गोला भरना ही छोड़ दिया था। तो कभी एग्ज़ाम में कभी उतावलापन नहीं दिखाना चाहिए, एकदम मतलब बंद कर यार। अब बोल गाइस, एक ये है, ये अभी तक कोचिंग जा रही थी, ये जा रही है, अब जा रही है, अभी तक अंदर ही थी। तो मैं हूँ तो क्या हो गया, बोलो, बढ़िया लग रही, बढ़िया लग रही, मस्त लग रही। ये देखो इसका पूरा आउटफिट। बाय गाइस, जल्दी आना, बाय गाइस, जल्दी आना, बाय गाइस।
हेलो गाइस, जलेबी खा लो, और जलेबी आओ। कहाँ पर मिलती है? और ये जलेबी हिमानी बना रही है यहाँ पे हमारे लिए चाय, के बारे में बता देना। और ये है जलेबी। जो ये जलेबी है ये मिलती है गुरु नानक डेयरी नियर बाय लक्ष्मी नारायण मंदिर ठीक उसी के सामने। ठीक है, इतनी अच्छी जलेबी बनाता है, मस्त कोकोनट ऑयल डालता है, थोड़ी खट्टी खट्टी होती है, मस्त। आप खा सकते हो वहाँ पर। और उसके बगल में दो लड़कियाँ चाय बनाती है कूलर वाली, अगर आपको वहाँ जाना होगा तो आप वहाँ जा सकते हो। और गाइस, शायद जलेबी के साथ साथ हमको आज अरे नमकीन और ये चाय हिमानी के द्वारा बनाई गई हमारे लिए, और नहीं ये हम अब चाय नमकीन का मजा ले रहे हैं। तो चलो गाइस, आज के व्लॉग में आप सब लोगों ने देखा कि मैंने क्या क्या किया, और मेरी हालत बहुत ख़राब हो रखी है आज, मेरे बस की कुछ भी नहीं हो रही है। और ये मेरे साथ अनाया बैठ रखी है यहाँ पे, और इसकी पेंसिल रबड़ मेरे हाथ में है। तो बाय गाइस, मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, होप आप सब लोगों को अच्छा लगे। वैसे तो क्या